अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्या लिखा है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन को सॉल्व करना है एंड चेक भी करना है फॉर एक्सट्रेनियस सॉल्यूशंस। ये एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन क्या होते हैं, इसके डेफिनेशन लिख देते हैं। एक्सट्रेनियस सॉल्यूशंस सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, या इक्वेशन दी हुई है पिक्चर करना, चेक फॉर एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन। तो एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन कैसे करते हैं, द वैल्यूज ऑफ एक्स, द वैल्यूज ऑफ एक्स, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके कॉर्नर की वैल्यू आएगी, द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच गिवन इक्वेशन इज नॉट ट्रू। गिवन इक्वेशन या इस तरह लिख लें, द वैल्यूज ऑफ एक्स विच डू नॉट सेटिस्फाई, द वैल्यूज ऑफ एक्स विच डू नॉट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। आर कॉल्ड एक्सट्रेनियस सॉल्यूशंस। तो एक्सट्रेनियस सॉल्यूशंस की डेफिनेशन क्या है, द वैल्यूज ऑफ एस, एस की वो वाली वैल्यूज जब इसको सॉल्व करेंगे एस की वैल्यूज आएंगी, तो विच डू नॉट सेटिस्फाई, विच डू नॉट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन आर कॉल्ड एक्सट्रेनियस सॉल्यूशंस। तो डू नॉट सेटिस्फाई से कम ना दें, डू नॉट सेटिस्फाई से कम ना दें कि जब एस की वैल्यू इसमें पुट करें, डू नॉट सेटिस्फाई कम ना दें, तो एस की वैल्यू जब इसमें पुट करें दोनों साइड इक्वल ना आए, फिर कहते हैं कि वो वैल्यूज को सेटिस्फाई नहीं करती, और दोनों साइड इक्वल आ जाए फिर वैल्यू सेटिस्फाई करती है, और दोनों साइड इक्वल आए फिर वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करती। तो डेफिनेशन है एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन की, उसको सॉल्व करते हैं फिर आपको मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सॉल्व करने से क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, इसको इक्वेशन का नंबर 1 लिख लें, इसको नंबर 1 लगा देंगे, और ये स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट कैसे ख़त्म करते हैं, दोनों साइड का स्क्वायर ले लेते हैं। क्या लिखते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, एस बी एस स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर ले लें, 3s + 4 स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और इसका फिर स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 3s + 4 और 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 4 इधर का माइनस हो जाएगा, तो 3s इज इक्वल टू 4 - 4, 3s इक्वल टू 4 - 4 0, दोनों साइड को 3 के साथ डिवाइड कर दें, 3s / 3 0/3, ये 3 कैंसिल हो गया, एस इक्वल टू 0। यार जो वैल्यू है इसको आप चेक करेंगे, एस की जो वैल्यू है इसको चेक करेंगे, तो कैसे चेक करना है, चेक पुट करेंगे, पुट एस इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1, एस की जो भी एस की वैल्यू आएगी उसको जो इक्वेशन दी है उसमें पुट कर देना, जिसमें एस को 0 पुट कर देंगे, 3 × 0 + 4 क्या हो जाएगा, 3 × 0 + 4 √2। तो इसमें एस का मैं 0 पुट कर, 3 × 0 + 4 √2, 3 × 0 0 हो जाएगा, 0 + 4 3 × 0 + 4 √2, 0 + 4 4 हो गया इज इक्वल टू 2, और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 2 = 2। देखो दोनों साइड इक्वल आ गई है, दोनों साइड इक्वल आ गई है, दोनों साइड इक्वल आने पर क्या हो रहा है, एस की और जो वैल्यू है इससे कैसे को सेटिस्फाई करती है, एस का हमने 0 पुट किया था, एस का हमने क्या किया, 0 पुट किया, जब इसमें एस को 0 पुट किया तो दोनों साइड इक्वल आ गई है, 2 = 2, इसका मतलब है एस की और जो वैल्यू है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, जब एस की वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करें फिर वो इसका सोल्यूशन होता है, जब एस की वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करें तो वो फिर इसका सोल्यूशन होता है। देयरफॉर हम लिखेंगे, देयरफॉर सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू एस की वैल्यू है 2 0, एस की वैल्यू क्या है 0, ये इसका सोल्यूशन होगा, ये इसका सोल्यूशन सेट हो जाएगा। सेकेंड पार्ट करते हैं, मजीद आपका कंसेप्ट क्लियर होगा।
सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट में क्या है, 2s माइनस फोर इसकी 3 है, -2 = 0। तेरा क्यूब रूट है थर्ड रूट हाफ, इसको क्या पढ़े हैं थर्ड रूट हाफ, तो थर्ड रूट हाफ 2s माइनस 4 -2 = 0। इस इक्वेशन का आपने सॉल्व करना है, तो पहले क्या करेंगे, ये -2 को इस साइड पर ले आएंगे, ये -2 को इस साइड पर ले आएंगे, तो क्या आएगा 2s माइनस 4 = 0 + 2, ये -2 = 0 प्लस हो जाएगा 2s माइनस 4, 0 + 2 कितना आएगा 2। अब दोनों साइड में यहाँ पर 3 है, इसको ख़त्म करना है, अब यहाँ पर क्यूब रूट लेंगे, तो क्या लिखेंगे, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। ये क्यूब रूट है, यार क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट कैसे ख़त्म होता है, दोनों साइड लेकर क्यूब लेंगे, यानी पावर 3 लेंगे, ये साइड भी पावर 3 ले लेंगे, ये साइड भी पावर 3 ले लेंगे, 2s माइनस 4 3 पावर 3 ले ली और 2 की पावर 3 ले ली, तो ये 3 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 2s माइनस 4 और 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 2 की पावर 3 8, -4 इधर आएगा प्लस हो जाएगा 2s = 0, इसको इधर ले आएंगे 8 + 4, 2s = 0 कितना आएगा 8 + 4 12 हो गया, दोनों साइडों को 2 से डिवाइड कर दें, 2s / 2 = 12/2, 2 कैंसिल हो गया, s = 6। तो एस की वैल्यू से हमने सॉल्व किया इस क्वेश्चन में, तो एस की वैल्यू क्या है, इसको नंबर 1 लगा रहे हैं। एस के लिए 6 आई, इसको हम चेक करेंगे, अब इसको हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, पुट करेंगे s = 6 इन इक्वेशन नंबर 1। एस की जो वैल्यू आई है इसका 6 आई है, इसको हमें चेक कर लें, तो क्या लिखेंगे, पुट s = 6 इन इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पर पुट कर लेंगे, तो 2s 2 है, एस को क्या लिख देंगे 6 लिख देंगे, 2 × 6 - 4, ये है 2 × 6 - 4 इसका क्यूब रूट = 2, 2 6 = 12 - 4 क्यूब रूट = 2, 12 - 4 8 हो जाएगा, तो इसके अला रेड क्या पाँगे, इसके एक्सप्रेशन पाँग क्या बनेगी 1/3, ये और इसकी रेड क्या पाँग है और इसकी एक्सप्रेशन पाँग बनाएंगे, ये रेड का साइन खत्म कर दें, तो क्या बनेगा 1/3 = 2, तो 8 क्या होता है 2 की पावर 3, 2 × 2 2 = क्या होता है 8, 2 की पावर 3 = 8, तो 8 को क्या लिखते हैं 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 1/3 = 2, ये से कैंसिल हो जाएगा, 2 = 2 आ जाएगा, ये दोनों साइड इक्वल आ गए, ट्रू है दोनों साइड इक्वल आ गए, क्या दोनों साइड इक्वल आ गए, इसका क्या मतलब है, दिस वैल्यू हैज सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन, जब एस के लिए यह वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर दिया, तो ये इसका सोल्यूशन होगा, जब दोनों साइड इक्वल आ जाए फिर ये वाली वैल्यू एस 6 है, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, समझो एस इक्वल 6 है, ये इक्वेशन का सोल्यूशन है, तो देखो लिखते हैं सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू जो एस की वैल्यू है, एस की वैल्यू 6 है, 6 ये आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट करते हैं इसका, थर्ड पार्ट है तो थर्ड पार्ट में क्या है, s - 3 - -7 = 0, सबसे पहले ये -7 इसके साइड पर लेंगे, तो s - 3 √ s - 3 = 7 इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लें, अब स्केयर रूट है, स्केयर रूट कैसे खत्म करना है, स्केयर लेने के साथ स्केयरिंग बोथ साइड s - 3 √ और इसका स्केयर 7 इसका स्केयर, ये स्केयर रूट खत्म करना है, स्केयर रूट खत्म करने के लिए दोनों साइड का हमें स्केयर ले लिया, तो ये इसके साथ काट दिया गया, s - 3
7 का स्क्वायर क्या कितना होता है, 7 7 49 7 7 49 एस इक्वल टू 49 या ला माइनस ही यहाँ पर आ गया प्लस हो जाएगा एस इक्वल टू 52। अब एस की वैल्यू को चेक करेंगे, एस इक्वल फिर इसको चेक करेंगे, इसका पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 पुटिंग एस इक्वल टू 52 पुटिंग एस इक्वल टू 52 इन इक्वेशन नंबर 1 52 पुट कर दिया, 52 माइनस 3 क्या है 52 माइनस 3 इज इक्वल टू 7 52 माइनस 3 कितना आएगा 49 इज इक्वल टू 7 तो 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है 7 होता है 7 इज इक्वल टू 7 दोनों साइडें इक्वल आ गई हैं, इसका क्या है एस इक्वल 52 सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन, एस इक्वल टू 52 सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन देयरफॉर एस इक्वल टू 52 is the solution of the given equation. S is equal to, लिखेंगे S is equal to 52. S is equal to solution set, इसमें 52 लिखेंगे. फिर पार्ट नंबर 4 करते हैं. तो पार्ट नंबर 4 है इसका, तो 2t plus 4, 2 into square root of t plus 4 is equal to 5. 2 into square root of t plus 4 is equal to 5. इस equation में 1 लिख रहे हैं, ये सब भी square root है, तो square root कैसे खत्म करना है, square लेने के साथ, square लेने से, square both sides, क्या हो जाएगा, 2 into t plus 4 square root, इसका square ले लिया, is equal to 5, इसका square ले लिया, दोनों साइड में स्क्वायर लेंगे, 2 के पास स्क्वायर नहीं है, 2 के पास स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, फिर ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, t प्लस 4 हो जाएगा, पहले 2 का स्क्वायर लेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो इसके साथ ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये t प्लस 4 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 20, 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 40 फिर 4 4s are 16 is equal to 25 40 4 4s are 16 ये 16 इधर आकर माइनस हो जाएगा 40 is equal to 25 minus 16 40 is equal to 25 में 16 माइनस करें 9 तो दोनों साथ अगर 4 के साथ डिवाइड कर दें 20 by 4 9 divided by 4 4 कैंसिल हो गया t is equal to 9 over 4 t की वैल्यू 9 बाई 4 आ गया, इसको चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे पुट करेंगे टी इज इक्वल 9 बाई 4 टी इज इक्वल 9 बाई 4 इन इक्वेशन नंबर 1 टी की इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे क्या होगा 2 इंटू 9 बाई 4 प्लस 4 इज इक्वल 5 ये 2 वैसे लिख दिया यहाँ पर टी को 9 बाई 4 लिख दिया प्लस 4 9 बाई 4 प्लस 4 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 5 अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं 2 इंटू तो इसमें 4 एलसीएम ले लेंगे यार 4 इसका एलसीएम आ जाएगा तो 4 4 से कट गया 9 आ गया 4 डिवाइडेड बाय 4 1 तो 1 का 9 से मल्टीप्लाई किया 9 आ गया ये प्लस इस 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें 4 4 का 16 4 4 का 16 इज इक्वल टू 5 2 इंटू 16 प्लस 9 25 आ जाएगा 25 ओवर 4 is equal to 5 2 into 25 का स्क्वायर कितना होता है 5 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 2 दोनों का अंडर रूट 25 का स्क्वायर 5 हो गया 4 का स्क्वायर 2 हो गया is equal to 5 2 2 से कैंसिल हो गया 5 is equal to 5 ये भी ट्रू आ गया दोनों साइड इक्वल आ गया देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 बाई 4 सॉल्यूशन सेट 9 बाई 4 यह आपका आंसर है। तो वीडियो सामने कोई मुश्किल नहीं है, पांचों पार्ट करते हैं। तो वीडियो को देखने के बाद आपने हर क्वेश्चन को खुद दो दो तीन तीन दफा करना है। पांचों पार्ट है इसका। पार्ट नंबर 5 तो क्या दिया हुआ है 2s प्लस 3 2s प्लस 3 ये भी क्यूब रूट है क्यूब रूट है क्यूब रूट है 2s plus 3 is equal to s minus 2
एस माइनस टू क्यूब रूट। इस कैलकुलेशन में वन निकलेंगे तो क्यूब रूट ऑफ टू एस प्लस इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एस माइनस टू। रियल हम पहले खत्म करना है, कैसे खत्म करेंगे, थ्री है तो पावर थ्री ले लेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का क्यूब ले लेंगे, टू एस प्लस थ्री इसका क्यूब ले लिया एस माइनस टू और इसका भी क्यूब ले लिया, क्या क्यूब इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, टू एस प्लस थ्री इज इक्वल टू एस माइनस टू। ये इधर आ जाएगा, ये थ्री इधर आ जाएगा, टू एस ऐसे इधर का माइनस हो गया, ये थ्री इधर का माइनस हो गया, टू एस प्लस एस माइनस किया एस माइनस टू माइनस थ्री माइनस फाइव, कैसे कर माइनस फाइव। अब इसका हम चेक करेंगे, क्या करेंगे, कैसे चेक करना, पुट कर देंगे एस इक्वल टू माइनस फाइव, एस इक्वल टू माइनस फाइव इन इक्वेशन नंबर वन, पुटिंग एस इक्वल टू माइनस फाइव इन इक्वेशन नंबर वन, यहाँ पर पुट कर दें टू इंटू माइनस फाइव प्लस थ्री, टू इंटू माइनस फाइव प्लस थ्री और इसका क्यूब रूट इज इक्वल टू, यहाँ पर इसका माइनस फाइव पुट, माइनस फाइव माइनस टू माइनस फाइव माइनस टू और इसका क्यूब रूट, तो यहाँ पर भी इसका माइनस फाइव पुट कर दिया, यहाँ पर इसका माइनस फाइव पुट कर दिया, टू इंटू माइनस फाइव माइनस टेन, माइनस टेन प्लस थ्री माइनस फाइव माइनस टू माइनस सेवन हो जाएगा, माइनस टेन प्लस थ्री ये भी माइनस सेवन हो गया, ये भी माइनस सेवन हो गया, फिर दोनों साइड इक्वल आ गए, दोनों साइड इक्वल आ गए तो क्या लिखते हैं, ट्रू। देखो सॉल्यूशन साइड लिखते हैं, सॉल्यूशन साइड क्या होगा, एस इक्वल टू माइनस वाई, एस इक्वल टू माइनस वाई, इसके सॉल्यूशन साइड क्या आ जाएगा, यह आगे आंसर आ गया। पार्ट नंबर सिक्स करते हैं, छठा पार्ट है इसका, पार्ट नंबर सिक्स में क्या करना है, छठा पार्ट है टू माइनस थ्री, टू माइनस थ्री इसका भी क्यूब रूट है, इसका भी क्यूब रूट है इज इक्वल टू टू टी माइनस ट्वेंटी एट, टू टी माइनस ट्वेंटी एट इसका भी क्यूब रूट है, इसको क्वेश्चन नंबर वन लिख लेंगे, जिसमें भी क्यूब रूट है दोनों साइड का क्यूब ले लेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, टू माइनस टी इसका क्यूब ले लिया, टू टी माइनस ट्वेंटी एट इसका क्यूब ले लिया, तो ये इसके साथ कट गया, टू माइनस टी रह गया, ये इसके साथ कट गया, टू टी माइनस ट्वेंटी एट रह गया, इधर टू टी इधर ले लेंगे, पहले माइनस टी लिखेंगे, माइनस टी या टू टी इधर आकर माइनस हो जाएगा, माइनस टू टी माइनस ट्वेंटी एट, ये टू इधर आकर माइनस हो जाएगा, माइनस टू टू टी इधर आकर माइनस हो गया, या टू इधर आकर माइनस हो गया, माइनस थ्री माइनस टू टी कितना हो जाएगा, माइनस थ्री टी, माइनस थ्री टी माइनस थर्टी, तो माइनस थ्री के साथ डिवाइड करते हैं, माइनस थ्री टी डिवाइडेड बाई माइनस थ्री माइनस थर्टी डिवाइडेड बाई माइनस थ्री, इसका काट गया टी इज इक्वल टू थ्री टेन ऑफ थर्टी, माइनस माइनस के साथ काट गया थ्री टेन ऑफ थर्टी, अब टी क्या लू, इसको चेक करेंगे, अब इसको चेक करेंगे तो पुट कर देंगे एस इक्वल टू टी इज इक्वल टू टेन, पुट करें टी इज इक्वल टू पुट टी इज इक्वल टू टेन इन इक्वेशन नंबर वन, यहाँ पर पुट करें टी को टेन पुट कर देंगे, टू माइनस टेन, टू माइनस टेन इसका क्यूब रूट इज इक्वल टू यहाँ पर टू इंटू टेन माइनस ट्वेंटी एट, टू इंटू टेन माइनस ट्वेंटी एट इसका क्यूब रूट, टू माइनस टेन कितना हो जाएगा, टू माइनस टेन कितना हो जाएगा, माइनस एट, माइनस एट इसका क्यूब रूट,
ये 22 into 10 20 माइनस 20 है और इसका क्यूब रूट माइनस 8 इसका वैसे ही लिखेंगे 20 माइनस 20 है ये भी माइनस 8 हो जाएगा। ये दोनों साइड इक्वल आ गए, दोनों साइड इक्वल आ गया तो ट्रू लिख देंगे। देखो सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा 10, सॉल्यूशन सेट में क्या लिख देंगे 10 लिख देंगे 10, ये आपका आंसर आ गया। फिर पार्ट नंबर 7 करते हैं। पार्ट नंबर 7 पार्ट नंबर 7 है 2t प्लस 6 इसका स्क्वायर रूट है माइनस 2t माइनस 5 इसका स्क्वायर रूट है इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करना अब क्या करेंगे, पहले ये लेंगे माइनस और इसको उठाकर इधर ले लेंगे, इस सारे को राइट साइड पर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2t प्लस 6 इज इक्वल टू 2t माइनस 5। माइनस है जब इसको दूसरी साइड पर ले देंगे तो इसका साइन प्लस हो जाएगा। अब स्क्वायर रूट खत्म करना है तो स्क्वायर रूट कैसे खत्म होगा, दोनों साइड का स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स 2t प्लस 6 और इसका स्क्वायर 2t माइनस 5 स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा 2t प्लस 6 इसका कैंसिल हो गया 2t माइनस 5 2t इधर आकर माइनस हो जाएगा 2t पहले ये लिखा ये जाकर माइनस हो गया माइनस 5 इधर आकर माइनस हो गया पहले 2t लिखा फिर ये इसका माइनस कर दिया ये इधर आकर माइनस हो गया ये कैंसिल हो जाएगा 2t माइनस 0 जीरो माइनस आएगा ये जीरो माइनस रहने का इक्वल तो नहीं होता, जीरो माइनस रहने का इक्वल नहीं होता, ये फॉल्स है, ये क्या फॉल्स है, जो जीरो माइनस रहने का इक्वल नहीं होता ये फॉल्स है। मैं टी वैसे ही खत्म है, टी की कोई वैल्यू भी नहीं आई, जब इसका मिसाल किया टी की कोई वैल्यू नहीं आई। ये फॉल लिखेंगे गिवन इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, जब इसका सॉल्व किया सॉल्व करने से टी खत्म हो गया, टी की कोई वैल्यू नहीं आई, जीरो जिसका माइनस 7 आ गया ये तो गलत है, जीरो माइनस 7 का इक्वल नहीं होता। क्या लेकिन गैर क्वेश्चन है नो सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन सेट में क्या आ जाएगा एम्प्टी सेट, सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा एम्प्टी सेट आ जाएगा। फिर नेक्स्ट पार्ट है इसका पार्ट नंबर 8 पार्ट नंबर 8 में क्या करना है, पार्ट नंबर 8 है s+1 2s+5 इसका स्क्वायर रूट है इज इक्वल टू 2, s इज नॉट इक्वल टू -5 ओवर, तो यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट इक्वल -5 ओवर, इसका मतलब जो s की वैल्यू है वो ये नहीं हो सकती, अगर सॉल्यूशन आ जाए तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता, बाकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। यहाँ पर भी स्केयर रूट है, स्केयर रूट खत्म करना है तो कैसे खत्म करेंगे, दोनों साइड का स्केयर लेंगे, स्केयरिंग बोथ साइड s+1 ओवर 2s+5 स्केयर रूट इज इक्वल टू इसका स्केयर ले लिया और 2 का भी स्केयर ले लिया, दोनों साइड का स्केयर ले लिया, 2 इसके साथ कैंसिल रहेगा, बाकी s+1 / 2s+5 और 2 का स्केयर 2 का स्केयर 4 हो गया, क्रॉस पर डिपेंड करते हैं ये वाला 2s+5 इधर आकर मल्टीप्लाई हो 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा s+1 = 4 × 2s+5 डिवाइड हो रहा है इधर आकर 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा s+1 = 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 2s = 8s 4 5s = 20 तो 8s इधर ले आएंगे s-8x 20 ये वाले अगर माइनस हो गया -1 -7s = 90 एस में से 8s माइनस किया -7s तो -7 से डिवाइड कर लें -7s / -7 19/-7 ये इसके साथ कट गया s = -19/7 ये था माइनस साइन
इसको यहाँ पर लिख लेंगे, माइनस सेंटर में लिख लेंगे। अब इसको चेक करेंगे, अब इसका चेक करेंगे, पुट करेंगे एफ इक्वल टू, चेक करना पुट करेंगे एफ इक्वल टू माइनस 20/7, एफ इक्वल टू माइनस 20/7 इन इक्वेशन नंबर 1। इसको पुट करेंगे यहाँ पर पुट करेंगे, माइनस 20/7+1 माइनस 19/7+1 फिर नेचर 2 इंटू माइनस 20/7+5 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2। तो 7 एलसीएम आ जाएगा, इसका 7 एलसीएम ले लेंगे, 7 एलसीएम आ गया। 7 को 7 से डिवाइड किया तो 1 हो गया, 1 को 7 मल्टीप्लाई किया माइनस 19, ये प्लस का साइन है, 7 वन जो 7 7 वन जो 7 फिर डिवाइड हो गया। नीचे भी इसका एलसीएम ले लेंगे, नीचे भी 7 एलसीएम आ गया, 7 7 से कट गया, 7 डिवाइड बाई 7 1 फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दें माइनस, ये माइनस का साइन लिया गया तो 2 को 19 से मल्टीप्लाई कर दें कितना है 38 प्लस का साइन है, फिर 7 5 7 5 35 7 5 35। ऊपर भी हमने एलसीएम ले लिया, नीचे भी हमने एलसीएम ले लिया इज इक्वल टू ये 7 के साथ कट जाएगा, तो माइनस 20+7 कितना हो जाएगा, माइनस 20 में से 7 करें कि माइनस 12 आ जाएगा, माइनस 12 9 माइनस 7 2 माइनस 12 ये आ गया, इधर लिख रहे हैं माइनस 12 ऊपर माइनस 12 आ गया, तो माइनस 38 माइनस 35 माइनस 3 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया, तो माइनस वहाँ से काटे 3 4 12 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है 2 इज इक्वल टू, ये दोनों साइड इक्वल आ गए, दोनों साइड इक्वल आ गए, सॉल्यूशन साइड क्या लिख देंगे, ये डिवाइड फाइंड की है माइनस 20/7 माइनस 20/7 ये आपका आंसर आ गया। तो वैसे जो 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 था उसके तमाम पार्ट आप निकाल लिए, उम्मीद है कि आपको तमाम पार्ट्स के हर स्टेप की अच्छे तरीके से समझ आई होगी। तो इसके बाद आपने क्या करना है, हर क्वेश्चन खुद 2-3 दफा करना है, जब आप खुद करेंगे फिर आपकी जो समझ आएगी वो याद रहेगी, अगर खुद नहीं करेंगे फिर आपको भूल जाएगा। तो इसका इसलिए जब जो भी आप वीडियो देखते हैं उसको देखने का हर क्वेश्चन आप खुद 2-3 दफा किया करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि आने वाली वीडियोस वो भी आता पहुँचते रहें, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इससे फायदा उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज़।